देख रहे हैं अंबर टाइम। बेटियां भी बेटों की तरह अपना फर्ज निभाने में आगे ही रहती हैं। पूर्व सेवानिवृत्त प्राचार्य का निधन हुआ तो अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए शिक्षिका बेटी ने मां का देहदान कर फर्ज निभाते हुए समाज को एक संदेश दिया है। यह इकलौती बेटी है शिक्षिका अर्पिता त्रिवेदी, जिनकी मां सेवानिवृत्त प्राचार्य शीला त्रिवेदी का निधन होने पर बेटी ने मां की अंतिम इच्छा पूरी कर फर्ज निभाया। नेत्रदान और देहदान कर समाज को एक संदेश देते हुए मिसाल कायम की। इतना ही नहीं, नम आंखों से मां की अर्थी को कंधा देकर बेटी होने का फर्ज पूरा किया और शव यात्रा को मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए रवाना किया। जानकारी के मुताबिक अलीराजपुर जिले के जोबट कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य रही श्रीमती शीला त्रिवेदी पति के निधन के बाद पिछले कुछ सालों से रतलाम जिले के सकरावदा स्कूल में कार्यरत इकलौती बेटी अर्पिता के पास रतलाम में मंगल मूर्ति कॉलोनी में निवास पर रहने लगी थी। कुछ समय से बीमार शीला त्रिवेदी का शनिवार सुबह निधन हो गया। मां ने पूर्व में ही बेटी के समक्ष देह दान करने का संकल्प लेकर मेडिकल कॉलेज की दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। सुबह मां के निधन के बाद बेटी ने नेत्रदान करवाए। वहीं परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में देहदान की कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। मां के बिछड़ने और अर्थी को देखकर बेटी अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। अपने मंगल मूर्ति स्थित घर से मां की अर्थी को कंधा देकर बेटी कुछ दूर तक ले गई। फिर शव वाहन से देहदान के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। हृदय विदारक इस दृश्य को देख हरेक की आंखें नम हो गई। मेडिकल कॉलेज में डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, समाज सेवी गोविंद काकाने की मौजूदगी में देहदान किया गया। शिक्षिका बेटी अर्पिता त्रिवेदी ने बताया, आपने देहदान किया है, किसका है देह ये और कौन है आपकी? मेरी माता जी है श्रीमती शीला त्रिवेदी, जो कि पूर्व प्राचार्य रही हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोबट जिला अलराजपुर में, प्रथम श्रेणी प्राचार्य रही हैं और ये आध्यात्मिक रूप से पाक कला में भी बहुत पूर्ण थी और इनके मधुरिमा और नई दुनिया में भी लेख बहुत आते थे। आशु कवित्री भी रही हैं और पूरा जीवन इन्होंने अपने विद्यार्थियों को समर्पित किया है। अभिभाषक संघ के द्विवार्षिक चुनाव के मतदान के बाद शनिवार को पहले दौर में कार्यकारिणी के 9 सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया, 12 सदस्य बाहर रह गए। कार्यकारिणी के चुनाव में सर्वाधिक मत नरेंद्र सिंह चौहान को 300 मिले हैं, जबकि सबसे कम मत अमित कुमार मेहता को 198 मिले हैं। कार्यकारिणी में एकमात्र महिला सदस्य रेखा सांखला 236 मत लेकर निर्वाचित हुई। शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में सुबह स्ट्रांग रूम से मत पेटी निकालने के पश्चात मतगणना कर्मियों ने कार्यकारिणी के लिए पिंक कागज के मतपत्रों की घड़ी खोलकर उन्हें अलग अलग बंडल में बनाया। तत्पश्चात गणना शुरू हुई। मतगणना स्थल पर एडवोकेट सुनील पारेख, सतीश पुरोहित, जेपी भट्ट, प्रकाश राव पवार, संतोष त्रिपाठी, तुषार कोठारी सहित दर्जनों मतदाता मौजूद थे। दोपहर बाद पदाधिकारियों के मतदान की मतगणना शुरू हुई। सुनील लाखड़िया, पंकज चट्टानी, बकेन सिंह गहलोत, श्रवण कुमार गोयल। किन्नर गुरु गौरी नायक की मौत के बाद किन्नरों का दूसरा पक्ष चेले पर मौत का आरोप लगाकर मकान पर कब्जा और धमकियां दे रहे हैं। बताया जाता है कि पुलिस रिपोर्ट होने के बाद भी माणकचोक थाना प्रभारी किसी भी तरह से सुरक्षा नहीं कर सकी है। उक्त मामले की शिकायत संभागायुक्त से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने रतलाम पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा के आदेश दिए। बताया जाता है कि गुरु गौरी नायक की चेला काजल बाई के पास गुरु का लिखा वसीयत नामा भी है, लेकिन दूसरा पक्ष धमकी देकर मकान पर कब्जा कर रहा है
और पुलिस मूक दर्शक ही बनी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सुरक्षा नहीं मिलने पर चेला काजलबाई अपने साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलने एसपी कार्यालय पहुंचे और कोर्ट के आदेश के साथ ही आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराए। चेला काजलबाई ने बताया, गौरी नायक की चेला बोल रही हूँ मैं, काजलबाई रतलाम से बाजना बस स्टैंड से। यहाँ एसपी साहब के वहाँ आवेदन देने आई थी मैं, झूठ झूठ आरोप लगाए मुझ पर, मेरे ग्रुप के मारने के ये वो सब। मैं उनके साथ 20 साल से जुड़ी हुई हूँ और जब भी ने मेरे घर का ताला तोड़ दिया, मेरे गुरु का जो वसीयत बना के गए सब, वो मेरे से बहुत खुश थे। हम गुरु चेले बहुत अच्छे से रहते थे और साथ में पुलिस माड़क चौक थाने में भी आवेदन रिपोर्ट कुछ सुनवाई नहीं। जब मेरे गुरु जिंदा थे जब से ही हम आवेदन और रिपोर्ट डाल रहे इनके खिलाफ़, और हमारी इनकी कभी बनी नहीं है तो कभी सुनवाई नहीं। और आज भी, आज नहीं रहने के बाद भी वो मेरे पे दबाव डाल रहे और कई सुनवाई नहीं हो, तो मैं यहाँ हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ कि मेरी सुनवाई हो। और ये पूनम झेरीली ये बंदूक कट्टे लेके आते मुझे कि तुझे घर में ही गाड़ देंगे, और बंदूक दिखाते कि तू अगर रतलाम शहर में कहीं भी दिखी तो तेरे को जान से मार देंगे। मेरे पास पूरा सबूत है, एक एक मेरे गुरु की लिखावट सब है, वसीयत है पूरी सब है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कालिका माता प्रखंड में मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर अखंड भारत संकल्प दिवस भारत विभाजन विभीषिका का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता जिला मंत्री गौरव शर्मा ने भारत विभाजन व भारत का वैभवशाली इतिहास बताते हुए कहा, अंग्रेजों को ये वो पहले से उनको बता दिया था कि इस प्रकार से क्रांति छिड़ने वाली है, और वो समय के पहले से क्रांति शुरू हो चुकी थी, इसलिए उसका दमन हो गया क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे और वो अंग्रेजों से संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते वो क्रांति जो थी वो असफल हुई। पर अंग्रेजों को ये विश्वास तो हो चुका था, उस क्रांति से अंग्रेजों के मन में भय तो पड़ चुका था कि आज नहीं तो कल ये भारत हमें छोड़ना पड़ेगा। बाद में भारत माता की आरती की गई, बैठक में पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे। देख रहे हैं अंबर टाइम।